हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे ब्रेड से क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता कम तेल में। तो देखिए कितने अच्छे ब्रेड पाई आ रही है, बहुत ही कम तेल में आवाज सुन सकते कितनी क्रिस्पी है बनी है। चलिए शुरू करते हैं इसकी क्रिस्पी क्रिस्पी रेसिपी बनाना। इस नाश्ते के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप बेसन। हम 2 कप बेसन लेंगे इस तरह से। अब बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ये नाश्ता। रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, रेसिपी अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। 2 कप बेसन हम यहाँ इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन ले लिया। आप बारीक या मोटा कोई भी बेसन ऐड कर सकते हो। इसके बाद ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन जिसको हथेली से अच्छे से क्रश करते हुए डालेंगे, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे साबुत वाली, इस तरह से मैंने बारीक काट लिया था। और यहाँ पर ये मीठा नीम है, सूखा मीठा नीम जो मैंने सुखा लिया था उसको ऐसे क्रश करते हुए इसमें ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 चम्मच पोहे, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी है, झटपट रेडी हो जाता है, बहुत कम तेल में बनता है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। टेस्टी चटपटा एकदम झटपट बनने वाला नाश्ता हमारा आज यहाँ रेडी होएगा। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर और बैटर रेडी करेंगे। ये पानी एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो इसमें बहुत सारे लम्स बन जाएंगे तो वो अच्छे नहीं बनेगा बैटर हमारा। इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से मिक्स करेंगे और टेस्टी नाश्ता झटपट रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी हम यहाँ मिक्स करते हुए यहाँ डालेंगे। देखिए यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इस तरह से फ्लोइंग बैटर हमारे को रेडी करना है। इसको थोड़ी देर के लिए ये देखिए रेस्ट पर रखेंगे और यहाँ पर इतना बैटर रेडी करने के लिए हमारे को 1 ग्लास पानी की जरूरत पड़ी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से मैश कर लेते हैं। यहाँ आलूओं को मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा एकदम नरम नहीं करने, छोटे छोटे इसके दाने यहाँ पर रहने चाहिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, सादा नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ। इसके बाद हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखिए आलू को पूरा अच्छे से मैश नहीं करना है, थोड़े थोड़े इससे पीसेस इस तरह से दिखने चाहिए आलू के, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप ये नाश्ता जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ मैंने। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच अमचूर, रॉ मैंगो पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये व्हाइट ब्रेड लिया, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। अगर आप व्हाइट ब्रेड नहीं लेना चाहते हो तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हो आप। इसके बाद ये हरे धनिया की तीखी चटनी है वो मैंने यहाँ पर ऐड करी है इसमें, और इस तरह से इसको इस पर इस तरह से लगा लेंगे कि बहुत ही झटपट रेडी होती है दोस्तों और बहुत जल्दी बनता है। इतने कम तेल में इतना टेस्टी नाश्ता अगर मिल जाए तो क्या बात है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते, कोई चार्जेस नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके ऊपर 1 ब्रेड पे सॉस, टमाटो केचप है ये। इस तरह से केचप को भी इस तरह से इस पर स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से फैलाकर लगा लेंगे कि बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। तो ट्राई जरूर कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यह सॉस अच्छे से लगा लिए, इसके बाद में हम लोग जो मसाला बनाया है वो भी अच्छे से इसके ऊपर फैलाते हुए लगा लेंगे। दोस्तों ये झटपट रेडी हो जाता है और बहुत ही कम तेल में बनता है। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ये देखिए सारा मसाला इस तरह से अच्छे से मैंने लगा लिया है। इसके बाद ये दोनों ब्रेड को इस तरह से लगा लेंगे। ऐसे ही मैं और ब्रेड भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ये ब्रेड भी यहाँ रेडी कर ली है। इनको इस तरह से ट्रायंगल शेप में चाकू से हम काट लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको यहाँ काट लिया है इस तरह से। इसके बाद मैंने यहाँ बैटर रेडी करके रखा हुआ है। इस बैटर पे अच्छे से बैटर को कोटिंग कर लेंगे ब्रेड पे। इस तरह से बैटर को कोट कर लीजिएगा ब्रेड पे। यहाँ मैंने कोट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक तवा लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप नॉनस्टिक तवे की जगह सिंपल जिसमें रोटी बनाते हो वो तवा भी ले सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है। ऑयल लगाने को उसको अच्छे से पोंछ लेंगे कपड़े से या टिश्यू पेपर से। और यहाँ इस ब्रेड को इस पर लो फ्लेम पर रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। थोड़ा सा ऑयल हल्का सा 1/4 टेबलस्पून इस तरह से डालेंगे। ज़्यादा तेल की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। इसको पलट लेते हैं। बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है इसको, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छुट्टी का दिन हो या कोई ओकेशन हो, ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से और ब्रेड भी बैटर में ऐसे कोट करते हुए मैं लगा लूँगी। यहाँ दूसरी ब्रेड को भी मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। उसको भी इस तरह से हम तवे पे सेक लेते हैं। बैटर बहुत सारा नहीं लगाना है ब्रेड पे, सिर्फ हल्का हल्का कोट करना है। ये देखिए दूसरी भी इस तरह से रख ली है, बहुत जल्दी सीख गया है। इस तरह से दोनों तीनों मैंने इस तरह से लगाकर ऐसे सेक ली है, झटपट रेडी होगी। टोटल 5 मिनट भी नहीं लगते हैं दोस्तों, इतने सारे ब्रेड हमारे रेडी हो जाते हैं। और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। कम तेल में टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकौड़े अगर कभी खाने की इच्छा हो, कि हमें लगता है कि हमें बहुत कम तेल में खाना है, तेल ज़्यादा नहीं खाना है, तो इससे अच्छा कोई नाश्ता नहीं है। इतना बढ़िया नाश्ता ये हमारा रेडी होएगा। इसको पलट लेते हैं। अलट पलट कर हम दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, हाई फ्लेम मत कीजिएगा। कलर देखिए कितना अच्छा आया है इसका। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से भी सेक लेती हूँ। सभी ब्रेड को इस तरह से हम सेक लेंगे। इतने कम तेल में इतने टेस्टी ब्रेड पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है। कलर भी बढ़िया और टेस्ट भी बढ़िया, क्रिस्पी के क्रिस्पी। ट्राई कीजिए, खाइए, बनाइए, सबको खिलाइए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अलट पलट कर सभी ब्रेड कितने बढ़िया से हमने यहाँ सेक ली है। वाओ, बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। इतनी जल्दी जल्दी ये रेडी हो गए हैं, 5 मिनट भी पूरे नहीं लगे। और वैसे नॉर्मली हम ब्रेड बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है हमारे वो ब्रेड बनने में। अंदर से एकदम सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी। ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और जल्दी जल्दी बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं लगते दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप ये देखिए ब्रेड तो हमारा सीख गया है, लेकिन जो साइड की किनारी है अब उसे सेकने के लिए इस तरह से उसको किनारे के ऊपर ऐसे टेढ़ा करके रख लीजिए, ताकि किनारियाँ भी अच्छे से सीख जाए। क्योंकि हमने उसको डीप फ्राई तो किया नहीं है, तो साइड से किनारियाँ ऐसे ही रह जाएंगी। तो किनारियों को इस तरह से खड़ा करके ट्रायंगल को साइड साइड से हम सेक लेंगे। इससे के सभी जगह से अच्छे से सीख जाएगा, बढ़िया रेडी हो जाएगा हमारा। ये कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा, पक जाएगा बहुत अच्छे से। और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। सभी जगह से मैंने अच्छे से किनारियों से भी इसको सेक लिया है। कलर देखिए आप कितना अच्छा इसका कलर आया, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर तक ही हमें इसे सेकना है। इतने कम तेल में टेस्टी टेस्टी नाश्ता,
इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। सभी जगह से किनारियों को इस तरह से खड़ा करते हुए चिमटे से पलटे से जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे सेक लीजिए ताकि किनारियाँ कच्ची ना रहे। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी किनारियों को अच्छे से सेक लिया है। ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, झटपट रेडी हो जाती है। कभी थके हुए हैं और कुछ अच्छा सा खाने का मन करे तो इससे टेस्टी क्या नाश्ता होएगा दोस्तों, इतनी जल्दी जल्दी रेडी होने वाला नाश्ता। खाने में अच्छा भी है, आराम से पेट भर जाएगा। दो ब्रेड हमने खा लिए तो दो रोटी के बराबर हो गए। इतना हेल्दी टेस्टी नाश्ता हमारा, कम तेल वाला, इतना बढ़िया रेडी होएगा। यहाँ पर देखिए आप कितना बढ़िया इसका कलर लग रहा है, सभी जगह से अच्छे से सिक गया है। ये देखिए इन सबको हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। बढ़िया टेस्टी नाश्ता यहाँ हमारा रेडी हो गया। बढ़िया बढ़िया चार ब्रेड इतने अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं हमारे। देखिए दोस्तों कितने अच्छे हमारे ब्रेड पकौड़े रेडी हुए हैं, बहुत ही कम तेल में और टेस्टी, बहुत ही झटपट बनने वाले, इतने अच्छे। आवाज सुनिए आप कितने क्रिस्पी बने हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ये देखिए कितने अच्छे से सभी जगह से इतने अच्छे से वीडियो में सभी जगह सीख गए हैं। जिस तरह से आपको बता रही हूँ आप बनाओगे तो आपके ब्रेड पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपको अच्छे लगे तो मुझे बताना जरूर। ये देखिए इसको मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ क्योंकि ये बहुत ही यमी लग रहे हो, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। हरी चटनी लगाई, टमाटो सॉस लगाई, वाव बहुत ही यमी टेस्ट, वाव। जरूर ट्राई कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।